ये देखिए, ये हमारा मादरी वतन है और इनकी मोहब्बत जायज है। आप देखिए कि लोगों की बड़ी तकलीफें हुई है, खाली वादे किए गए पीछे और लोगों के काम भी नहीं हुए। और ज़रूर जो है इस बार, क्योंकि हमने स्कॉलर्स की बात की, हमने जो चेंज करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, तो क्रीडी के लोग भी एक नई चेंज देखना चाहते हैं और ये उसी का आगाज़ है आज, जो एक सपोर्ट लोगों की, एक मोहब्बत जो नज़र आई। का हमारे मैनिफेस्टो में है कि स्टोन पेल्टर्स के केस को रिवोक करना, जवानों को वापस जेलों से निकालना। अगर इलेक्शन नहीं हो डिक्लेयर हुआ होता, वो हमने वैसे भी 800 लड़कों का साउथ कश्मीर का लिस्ट जो है MHA को फॉरवर्ड किया था। ये इलेक्शन की शुरुआत है और हमारा किसी से कोई भी, हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, हमारी किसी से कोई कोलिशन नहीं। 370 भी कहा उन्होंने कि 370 भी वापस लाएंगे। खुदा के लिए आप मुझे एक बात बताइए, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आपकी जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में वो -2 भी नहीं है, वो आपका फ्री पावर देगा कौन? आप NDA में नहीं है, सरकार में नहीं है, आपकी गवर्नमेंट नहीं है। अगर आपकी सरकार भी बनती है, आपका CM पावरलेस है, ही कैनॉट ट्रांसफर ए कैंडिडेट कॉन्स्टेबल। तो ये हवा की बातें जो करना, JDU बात भी करे तो भैया हम लोग सरकार में हैं और मैं वादा करता हूँ अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है और हमारी सरकार बनती है, आपका स्टेटहुड भी वापस आएगा और पावर भी दे देंगे और उसके बाद भी KCC लोन भी माफ करेंगे। मैंने जमात इस्लामिया के लिए भी, मैंने उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे, वो जब चाहे मैंडेट ले सकते हैं मेरे से। Shai Saab Kadam Bada, hum tumhare